नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। मैं हूं शशांक सिंह और खबर जुड़ी हुई है भारतीय क्रिकेट टीम से, यानी कि जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से टीम इंडिया से रूल आउट कर दिए गए हैं श्रीलंका सीरीज के लिए, यानी तीनों मैचों के लिए उन्हें रूल आउट कर दिया गया है। मेरा ये सवाल है कि भैया बीसीसीआई ये चल क्या रहा है, ये मजाक हो रहा है सिस्टम का, पूरा तरीके से आपने मजाक बना दिया है। 27 दिसंबर 2022 टीम सिलेक्ट होती है श्रीलंका दौरे, यानी श्रीलंका की पूरी सीरीज के लिए, टी20 आईज और ओडीआईज के लिए, लेकिन वहां पर जसप्रीत बुमराह का कहीं पर नाम नहीं होता क्योंकि वो एनसीए में थे, उन्हें अभी फिट डिक्लेयर नहीं किया गया था, या जो भी रीजन है, अंदर खाने जो भी बात हो, लेकिन वो फिट नहीं हुए। लगा कि अभी उन्हें और समय दिया जाएगा, रश नहीं करना है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, एशिया कप के लिए उन्हें पिक नहीं किया गया था क्योंकि कहा गया कि बैक स्पैज़म्स हैं। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए उन्हें पिक किया गया 1.5 महीने के रेस्ट के बाद, और वहां पर उन्होंने महज 2 मैच खेले जिसके बाद उन्हें पूरा रूल आउट कर दिया गया टी20 वर्ल्ड कप से भी, साउथ अफ्रीका से भी, और उसके बाद उन्होंने ना न्यूजीलैंड सीरीज खेली ना बांग्लादेश खेली, और श्रीलंका सीरीज में भी उनका नाम नहीं था। हालांकि वो एनसीए पहुंच चुके थे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी बेंगलुरु में, और वहां पर वो अपनी फिटनेस को पूरा, वो रिहैबिलिटेशन जिसे कहते हैं, पूरी तरीके से वो गेंदबाजी करते हुए नजर आए, भागते दौड़ते नजर आए, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें श्रीलंका दौरे के लिए पिक नहीं किया गया, यानी श्रीलंका सीरीज की के लिए। लेकिन 27 दिसंबर से ठीक 6 दिन बाद एक प्रेस रिलीज आती है, और वो प्रेस रिलीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये बीसीसीआई की प्रेस रिलीज है, इसको गौर से पढ़िए और अंतिम 3 लाइन जो है उन पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि द पेसर हैज अंडरगॉन रिहैबिलिटेशन एंड हैज बीन डिसाइडेड फिट बाय द एनसीए, ही विल बी ज्वाइनिंग द टीम इंडिया ओडीआई स्क्वाड सून। ये एनसीए ने उन्हें फिट करार दे दिया, यानी 6 दिन पहले वो फिट नहीं थे, 6 दिन बाद 3 जनवरी को उन्हें फिट करार दे दिया गया, और अब एक बार फिर से 6 दिन बाद, यानी कि वनडे सीरीज, यानी पहला वनडे जो कि गुवाहाटी में खेला जाना है, उससे ठीक 1 दिन पहले अब यह खबर आ रही है कि जसप्रीत बुमराह जो है वो पूरी तरह से सीरीज से रूल आउट कर दिए गए हैं। क्या हो रहा है ये? एक खिलाड़ी फिट है, अनफिट है, फिट है, क्या है ये? 12 दिन में 3-3 जो नए तरीके से वो फिट हो रहा है, अनफिट हो रहा है, ये हो क्या रहा है? बीसीसीआई इतना हड़बड़ा क्यों गई है, इतना परेशान क्यों है, इतना पैनिक में क्यों है? कौन है ये जो फैसले ले रहा है कि उन्हें फिट करना है, उन्हें अनफिट करना है? नितिन पटेल जो कि फिजियो, फॉर्मर फिजियो है बीसीसीआई के, और इस समय एनसीए में स्पोर्ट्स साइंस डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, वहां से ही सर्टिफिकेट मिलते हैं। एनसीए जो कि हेड करते हैं वीवीएस लक्ष्मण, वहां से ये सर्टिफिकेट मिलते हैं। ये इतना नहीं बता पा रहे कि एक खिलाड़ी जो है वो फिट है कि अनफिट है। एक ही सीरीज, एक ही सिलेक्शन, उसमें 3-3 बार वो खिलाड़ी, ना तो उसको कोई चोट लगी, ना उसको कुछ नया हुआ, वो एक खिलाड़ी जो एक ही जगह पर स्थिर बैठा हुआ है, वो अपना फिटनेस कर रहा है, उसको पहले पिक नहीं किया जाता, फिर उसको पिक कर लिया जाता है, फिर उसको रूल आउट कर दिया जाता है सीरीज से। अगर आपने योयो टेस्ट नहीं करवाया था, मान लीजिए कि अगर उन्हें योयो टेस्ट नहीं करवाया था, अगर आपका डेक्सा इमेजिंग टेस्ट नहीं हुआ था, तो इतनी जल्दबाजी क्या थी जसप्रीत बुमराह को 3 तारीख को ही एक प्रेस रिलीज के जरिए, इस स्टेटमेंट के जरिए ये घोषणा कर देने की कि वो वापस से शामिल हो गए हैं? इसकी कोई जरूरत नहीं थी। और इसके बाद जो दूसरी बात है, चलिए मैं मान लेता हूं कि वो योयो टेस्ट नहीं पास किए होंगे, वैसे मैं ऐसा नहीं मान सकता, बहुत ही फिट खिलाड़ी हैं, वो बिल्कुल पास कर सकते हैं योयो टेस्ट। अगर वो डेक्सा टेस्ट नहीं पास किए, बोन डेंसिटी या जितनी भी उनकी मास है, मसल है, जो भी है, जो भी डेक्सा इमेजिंग में आपको पता लगता है कि बॉडी फैट फैट मास क्या है, जो भी है, अगर वो उसमें क्लियर नहीं हुए, तो इतनी जल्दबाजी क्या थी? 9 तारीख को आप डिसाइड कर लेते और बिल्कुल से सीधा ड्राफ्टिंग करने की जरूरत क्या थी? 2 दिन बाद ही तो, 5-4 दिन बाद ही तो न्यूजीलैंड सीरीज शुरू हो जाती है, 18 तारीख से न्यूजीलैंड के वनडे सीरीज है। तो इतनी जल्दबाजी, ये समझ नहीं आ रही, इतनी हड़बड़ी बीसीसीआई में क्यों मची हुई है, क्यों इतना परेशान है बीसीसीआई, क्यों इस तरीके से फैसले ले रहा है जो समझ से परे है। एक पूरे सिस्टम का बीसीसीआई ने, सिलेक्टर्स ने
और एनसीए ने खास तौर पर इन सब ने मिलकर एक मॉकरी, मेकिंग अ मॉकरी आउट ऑफ द होल सिस्टम. दिस इज व्हाट बीसीसीआई सिलेक्टर्स एंड एनसीए हैव बीन डूइंग. और ये आप देखिए कि ये पूरी वो रिपोर्ट है. अब मैं कहता हूं कि चलिए, आप दूसरा सवाल मैंने पिछले वीडियो में ये उठाया था कि आप डायरेक्ट किसी को भी जो कि 4.5 महीने से 5 महीने से बाहर है, उसको आप डायरेक्टली कैसे ड्राफ्टिंग कर सकते हैं ओडीआई टीम में. आपको सीधा सा जो फैसला लेना है, उसका सीधा फैसला ये है कि आप जाएं डोमेस्टिक खेले, रणजी ऑलरेडी चल रहे हैं, आप जाते एक दो स्पेल्स डालते, वहां से आपको अपनी फिटनेस का अंदाजा होता. बहुत से जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो ये सवाल उठा चुके हैं. ऐसे में आपको क्या जल्दबाजी थी कि आपको जसप्रीत बुमराह को ड्राफ्टिंग करना था. और ये इसे कहते हैं कि भैया कोई इसे पड़ी लकड़ी, ये वो वाली कहावत है कि कोई मतलब नहीं था जसप्रीत बुमराह से, कोई किसी को लेना देना नहीं था कि भाई वो फिट हो जाएंगे, आराम से आएंगे. हमने पहले ही माना हुआ था कि उन्हें 5-6 महीना लगेगा, लेकिन इन्होंने अपनी जबरदस्ती, अपनी जल्दबाजी, अपनी हड़बड़ी, पैनिक, हर चीज में पैनिक. और यही वजह है कि भारत एशिया कप हारा, यही वजह है कि भारत T20 वर्ल्ड कप हारा, यही वजह है कि पिछले 1.5 साल से ये भारतीय टीम, भारतीय क्रिकेट सिर्फ डाउनवर्ड स्लाइड पर है. गलती सिर्फ एक राहुल द्रविड़ की नहीं है, गलती सिर्फ एक रोहित शर्मा की नहीं है, ये पूरा सिस्टम जो है उसका मजाक बनाकर रख दिया बीसीसीआई और सिलेक्टर्स और एनसीए ने. खास तौर पर वीवीएस लक्ष्मण का क्या जिम्मेदारी है, उनको उन पर भी सवाल पूछा जाना चाहिए. किस तरीके से आपने इनको फिट करार दे दिया, और अगर उनका कोई रोल नहीं है तो वो किस बात के हेड है, क्या कर रहे हैं वो वहां पर. नितिन पटेल क्या कर रहे हैं वहां पर, कहा गया था कि उन पर एक्शन लिया जाएगा, कोई एक्शन नहीं लिया गया, किसी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया. चेतन शर्मा जो है उनको सैक किया जाता है 18 नवंबर को, 50 दिन बाद वो वापस से चेयरमैन की ड्यूटी निभाते हुए नजर आते हैं, और इस दौरान इन 50 दिनों में भी वो टीमें सिलेक्ट कर रहे हैं, वो वहां पर जाकर टैलेंट स्काउट कर रहे हैं. मजाक क्यों कर रहे हैं आप? आपने पूरी जो जनता है उसको मूर्ख समझ लिया है, बेवकूफ है हम. बहुत अच्छी बात है अगर आपने यही समझा है. ध्यान रखिएगा, जनता की उंगली में बहुत ताकत होती है, वो उंगली करने वाली बात है, कोई बात नहीं. आप पूरे सिस्टम का मजाक बनाइए, लेकिन जसप्रीत बुमराह के साथ आपके खिलाड़ियों का, भारतीय क्रिकेट का, जिसको आप ये देश जो है एक धर्म मानता है, आप उसका भी मजाक उड़ा रहे हैं. एक सीधी सी बात आप सीधे तरीके से नहीं बता पाए. इतना पैनिक क्यों है, इतना हंगामा क्यों है बरपा, जवाब दीजिए बीसीसीआई. आपको क्या कहना है, हमारे दर्शक जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं. आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह, नमस्कार.